वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को हराया, सुपर 8 का टिकट पाया, वर्ल्ड कप से बाहर हुई मजबूत न्यूजीलैंड। तो भैया बहुत बड़ी घटना घटित हो चुकी है वर्ल्ड कप 2024 में। पाकिस्तान यूएसए से तो हारा ही हारा था, लेकिन यहां पर उससे भी बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि न्यूजीलैंड टीम लगभग बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप 2024 से, सुपर 8 में वो जगह नहीं बना पाएंगे। अभी पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन यहां पर बात करें न्यूजीलैंड टीम की तो वो लगभग खत्म हो गई हैं, धूमिल हो गई हैं, उसको हम समझाएंगे कैसे। लेकिन वेस्टइंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबले की बात करें तो यहां पर वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जमकर भैया बल्लेबाजी की, फिर बेहतरीन गेंदबाजी की, पूरी तरीके से डोमिनेट किया न्यूजीलैंड के ऊपर और मुकाबले को अपने नाम करके वो सुपर 8 में पहुंच गए। यानी कि वर्ल्ड कप 2024 की चौथी टीम वेस्टइंडीज टीम बन चुकी है, जो ऑफिशियल तौर पर सुपर 8 में अपना जगह बना चुकी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका, ये चार टीमें हैं जो सुपर 8 में अपना जगह सुनिश्चित कर चुकी है। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं थी, 23 रन के इर्द गिर्द उनके चार विकेट पावर प्ले के ओवरों में गिर गए थे। ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि वेस्टइंडीज टीम अंडर 100 बुक हो जाएगी और न्यूजीलैंड जोरदार वापसी वर्ल्ड कप में करेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड ने बहुत ही बेहतरीन 68 की पारी खेली, न्यूजीलैंड टीम को, वेस्टइंडीज टीम को मुश्किलों से उबारा। जो नैया उनकी मझधार में फंसी थी उसको पार लगाया और 149 रनों का टोटल वेस्टइंडीज टीम खड़ा कर पाई रदरफोर्ड के बहुत ही बेहतरीन 68 की पारी की बदौलत। और ये जो पिच थी बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किल थी, यहां पर बल्लेबाजी कर पाना बहुत कठिन था। लेंथ गेंदे कभी उछल कर आ रही थी तो कभी नीचे रह जा रही थी, जिस कारण से ऐसा महसूस हो रहा था कि वेस्टइंडीज ने अबव पार स्कोर बना लिया, लेकिन ड्यू फैक्टर जो था वो वेस्टइंडीज के खिलाफ था। स्पिनर्स कितना कारगर साबित होते, कितना नहीं होते, ये सबसे बड़ा सवाल था चेज में। लेकिन जिस तरीके से अकील हुसैन और मोटी ने बेहतरीन गेंदबाजी की, स्पिन की, जकड़ कर रखा न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को, खासकर जो उनके स्पिन के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे डेरी मिसेल, केन विलियमसन या फिर हम कॉनवे की बात करें, सबको इन दो स्पिनरों ने चलता किया, पवेलियन भेजा और वेस्टइंडीज को शुरुआती 10 मुकाबले में बहुत आगे कर दिया था मुकाबले में, जिस कारण से न्यूजीलैंड को खामियाजा भुगतना पड़ा। वो मुकाबला 13 रनों से हारे, लड़ाई जरूर सेंटनर ने लड़ा, फिलिप्स ने लड़ा, लेकिन वो काफी नहीं था। वेस्टइंडीज ने इस जीत के साथ सुनिश्चित कर लिया है कि वो सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो न्यूजीलैंड टीम के ऊपर खतरा मंडराने लगा। पहले इस ग्रुप का पूरा समीकरण समझने से पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि स्कोर कार्ड क्या था, कैसे पूरा मुकाबला गया है। तो वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन 9 विकेटों के नुकसान पर बनाता है। उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड ने बेहतरीन पारी खेली, उनकी 68 रनों की पारी की बदौलत 39 गेंदों पर 2 चौके और 6 छक्के, 174.36 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। जिस पिच पर हर एक बल्लेबाज संघर्ष करता हुआ दिखा था, उस पिच पर इन्होंने इतनी धाकड़ और इतनी धुआंधार पारी खेली और उसके बदौलत वेस्टइंडीज टीम ने अबव पार स्कोर यहां पर लगाया 149 रनों का। बोल्ट की बात करें न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में तो सबसे बेहतरीन गेंदबाज उभर कर निकले, 4 ओवर में 1 मेडन 16/3, उनके अलावा शाउदी के नाम 2 विकेट, फॉक्सन के नाम 2 विकेट, लेकिन सेंटनर काफी खर्चीले साबित हो गए। अंतिम ओवर में ये 18 रन खर्च कर डाले और शायद वही जीत और हार का कारण रहा। यहाँ पर देख सकते हैं 13 रनों से वेस्टइंडीज टीम जीता है ये मुकाबला। तो सेंटनर के जो 18 रन आखिरी ओवर में रहे वो न्यूजीलैंड के लिए काफी घातक साबित हुए। वहीं कीवी टीम की बात करें तो शुरुआत अच्छी नहीं थी, वहां पर कॉनवे जो इनके सबसे विश्वसनीय T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं, जो तेज गति से भी रन बनाते हैं, कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं, इस वर्ल्ड कप में खेले गए दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहे और जिसका असर रिजल्ट पर भी दिखा है। अगर कॉनवे की बल्लेबाजी चलती, अगर वो कंसिस्टेंटली स्कोर करते दोनों मुकाबलों में, तो शायद न्यूजीलैंड टीम यहां पर दोनों टीमों को मात दे सकती थी। एक बड़ी और एक मजबूत टीम है न्यूजीलैंड। वहां पर कॉनवे आप 5 रन बनाते हैं, एलन 26 रन, फिर लास्ट में लड़ाई ग्लेन फिलिप्स ने लड़ी, सेंटनर ने 21 रनों की पारी खेली, लेकिन वो पारियां काफी नहीं थी। यहां पर मोती ने 4 ओवर में 25/3, एलजारी जोसेफ ने 4 विकेट 4 ओवर में 19 रन देकर, और इन दोनों गेंदबाजों की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के कारण वेस्टइंडीज टीम अपना जगह टॉप 8 में सुनिश्चित कर पाया।
अब आते हैं देख लेते हैं कि पूरा पॉइंट टेबल का समीकरण क्या है। तो आप देख सकते हैं कि वेस्टइंडीज 3 मुकाबलों में 6 पॉइंट अर्जित कर चुका है, तीनों मुकाबले वो जीत चुके हैं युगांडा, पीएनजी और न्यूजीलैंड से। और अगर इस ग्रुप पर अगर आप फोकस करेंगे तो कोई तीसरी ऐसी टीम नहीं है जो अब 6 पॉइंटों तक पहुंच सकती है। न्यूजीलैंड भी पहुंचेगी तो 4 पॉइंटों तक, पीएनजी भी पहुंचेगी तो 4 पॉइंटों तक, और युगांडा सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंटों तक पहुंच सकती है। 4 पॉइंटों तक युगांडा भी पहुंच सकती है, 6 पॉइंट तक कोई नहीं पहुंच सकता है। यानी कि वेस्ट इंडीज टीम ऑफिशियल तौर पर क्वालिफाइड हो गई। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो उनका जो मुकाबला बचा है वो पीएनजी से बचा है, उसके अलावा बचा है वेस्ट इंडीज से। तो यानी कल का मुकाबला अगर अफगानिस्तान पीएनजी को हरा देती है, और जो कि श्योर है क्योंकि अफगानिस्तान टीम का जो स्पिन गेंदबाजी है वो सबसे बेहतरीन इस वर्ल्ड कप में, और जो पीछे हैं भैया उनके अनुकूल हैं, तो पीएनजी हरा दे तो अपने आप में सबसे बड़ा उलटफेर हो जाएगा टी20 वर्ल्ड कप का अफगानिस्तान को। तो पीएनजी को अफगानिस्तान आसानी से हरा देना चाहिए, और ऐसा होता है अगर, जो कि ऑन द एक्सपेक्टेड नोट है, तो अफगानिस्तान दूसरी टीम इस ग्रुप से बन जाएगी जो कि 6 पॉइंट अर्जित कर लेगी, और फिर 6 पॉइंटों तक न्यूजीलैंड नहीं पहुंच पाएगी अगर वो दोनों आखिरी मुकाबले पीएनजी और युगांडा को हरा भी देते हैं। तो न्यूजीलैंड लगभग बाहर हो चुकी है। अब उनको बहुत ही किस्मत ही बचा सकता है, मतलब बहुत अनहोनी हो जाए और पीएनजी अफगानिस्तान को हरा दे, तभी ऐसा कुछ होगा कि न्यूजीलैंड का समीकरण बन सकता है। तो भैया न्यूजीलैंड के लिए घातक क्या साबित हुआ? घातक ये साबित हुआ कि कॉनवे, जो उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे, उनको प्रैक्टिस उतना मिला नहीं, आईपीएल में वो खेले नहीं। दूसरा सबसे बड़ा घातक चीज न्यूजीलैंड टीम के साथ रहा, वो शेड्यूल रहा। उनका पहला दोनों मुकाबले भैया बड़ी टीमों के साथ करा दिए गए, यानी कि कंडीशन से वो अवगत नहीं हो पाए और उसी में उनके साथ खेला हो गया। यहां पर देख सकते हैं पहला मुकाबला ही अफगानिस्तान से हो गया, दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज से। शायद ये कुछ दिन पहले आए होते, यहाँ पर वार्म अप मुकाबले खेले होते, कंडीशंस से अवगत हुए होते, अपने प्लेइंग 11 में क्या लूप होल्स हैं उनको दूर किए होते, तो चीजें इनके लिए अच्छी होती, तो फिर ये अफगानिस्तान को भी हरा पाते, वेस्टइंडीज को भी हरा पाते। उससे भी अच्छी बात होती कि अगर ये पहला मुकाबला पीएनजी से खेले होते, दूसरा युगांडा से खेले होते, ऐसा कुछ हुआ होता न्यूजीलैंड के साथ, तो भी ये कंडीशन से अवगत हो जाते, कॉन्फिडेंस में आ जाते, फिर वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान में से किसी एक को ये हरा सकते थे। लेकिन जो शेड्यूलिंग हुई वो अच्छा नहीं रहा न्यूजीलैंड टीम के लिए, और अब आप देख सकते हैं रिजल्ट, ये बाहर होने के कगार पे है। ये पूरे इस ग्रुप का सूरत हाल है। वेस्टइंडीज सुपर एट में पहुंच चुका है, न्यूजीलैंड लगभग बाहर हो चुका है, दूसरी टीम अफगानिस्तान होने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।